फांसी साड़ी का इस्तेमाल करके लगाई गई है। जो जिस कमरे में लगाई थी वो कमरा अंदर से बंद था। जब उनके माता पिता ने उस कमरे को खोलना चाहा तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इस प्रकार से उसको तोड़कर अंदर जब देखा तो बच्चे ने फांसी। जूनीदोथा क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में एक मर की सूचना आई है, जिसमें एक 12 साल के बच्चे के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करी गई है। फांसी साड़ी का इस्तेमाल करके लगाई गई है। जो जिस कमरे में लगाई थी वो कमरा अंदर से बंद था। जब उनके माता पिता ने उस कमरे को खोलना चाहा तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इस प्रकार से उसको तोड़कर अंदर जब देखा तो बच्चे ने फांसी लगा रखी थी। इस पर से मर्ग पंजीबद्ध किया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी इसमें लगातार जांच जारी है, घर वालों से और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। सर, कानून के तौर पर क्या सामने आया सर? क्या कुछ बच्चा डिप्रेशन में था या पढ़ाई का क्या लोड था? अभी बच्चे के परिजनों से बातचीत की जा रही है और जितने भी रिश्तेदार हैं और आसपास के मोहल्ले वाले बच्चे जिनके साथ वो खेलता था उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस प्रकार से घटनाक्रम क्यों हुआ। संभवतः यह भी हो सकता है कि खेल के दौरान में उसके द्वारा ऐसा घटनाक्रम किया हो या कोई और भी कारण हो सकता है, जिसकी भी जाँच की जा रही है। पढ़ाई को लेकर भी कुछ सामने आया है कि 3 पेपर हो चुके थे उसके? अभी तक कुछ भी तथ्यात्मक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती किसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।